अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरफराज अहमद धोखा नहीं देगा। आज इंग्लिश बॉलर्स की सरफराज अहमद ने खूब धुलाई की और सरफराज अहमद ने इस बात को सच कर दिखाया कि सरफराज अहमद धोखा नहीं देगा। तो सामीन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज पांचवा एक रोजा मैच खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 350 से भी ऊपर का टारगेट दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि वो पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन पहले तीन खिलाड़ी 6 रन पे आउट हो गए। उसके बाद सरफराज अहमद ने खुद ही आने का फैसला किया, ना कि उसने शुएब मलिक या आसिफ अली पे भरोसा किया, बल्कि सरफराज अहमद खुद आए, पहले सिंगल डबल लेकर बाबर आजम को स्ट्राइक देते रहे कि बाबर आजम अच्छा खेल रहे, लेकिन बाबर आजम 50 बनाने के चक्कर में थे, तो सरफराज अहमद ने खुद ही खेलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि सरफराज अहमद धोखा नहीं देगा। अगर पाकिस्तान टीम की बॉलिंग खराब हो तो उसमें सरफराज अहमद का क्या कसूर है? अगर पाकिस्तान के पहले तीन खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं तो उसमें सरफराज अहमद का क्या कसूर है? सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बेहतरीन कप्तान है। सरफराज अहमद की वजह से आजकल पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी है। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। आला निकेबान।